बिग बॉस का घर एक ऐसा घर जहां लव कनेक्शंस बनते हैं, जहां लड़ाइयां जमकर होती है। ये वो ही घर है जहां कंट्रोवर्सीज तो बड़ी आम सी बात है, वहीं ड्रामा, रोमांस, फाइट्स, कंट्रोवर्सीज से भरपूर सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 13 की जल्दी शुरुआत होने वाली है। बस दो ही दिन और सबके सामने खुल जाएगा राज, आखिर कौन कौन से स्टार होंगे इस बार शो का हिस्सा। जहां संस्कारी गोपी बहू देवोलीना भट्टाचार्जी, हैंडसम हंक सिद्धार्थ शुक्ला, उत्तरन सीरियल की तपस्या यानी रश्मि देसाई, गोविंदा की भांजी और टीवी एक्ट्रेस आरती सिंह इस बार शो में धमाका करने वाली है। वहीं अब खबरें आ रही हैं कि इस बार बिग बॉस में आपको ज्यादा लड़के नहीं दिखने वाले हैं। आई नो ये खबर लड़कियों को थोड़ा निराश तो जरूर करेगी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो इस बार शो में लड़कियां ज्यादा और लड़के कम नजर आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इस बार शो में सिर्फ 3 ही लड़के नजर आएंगे। सबसे पहले तो सिद्धार्थ शुक्ला का नाम आ रहा है, दूसरे नंबर पर तारा फ्रॉम सितारा के एक्टर अश्विनी कौल का। कहा जा रहा है कि उन्होंने बिग बॉस में आने के लिए अपना शो ही छोड़ दिया है। अश्विनी सीरियल से पहले रियलिटी शो स्प्लिट विला का हिस्सा रह चुके हैं। वहीं तीसरा मेल कंटेस्टेंट है पारस छाबड़ा, इन्हें कैसानोवा भी कहा जाता है। स्प्लिट विला में लड़कियों को धोखा देने के लिए मशहूर पारस इस बार बिग बॉस में आने वाले हैं। स्प्लिट विला के बाद उन्होंने कई टीवी शोज में काम किया है। इन 3 मेल स्टार्स के अलावा इस शो में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही नजर आने वाली हैं। वैसे अगर ये बात सच निकलती है तो ऐसा पहली बार होगा जब शो में लड़कियां ज्यादा और लड़के कम होंगे। वैसे आपको बता दें, हाल ही में बिग बॉस का लॉन्च हुआ था, उस दौरान सलमान खान ने अमीषा पटेल को इंट्रोड्यूस करवाया था। अमीषा ने खुद ये बात बोली थी कि वो शो में काफी धमाका करने वाली हैं। कहा जा रहा है कि अमीषा शो में फीमेल बिग बॉस का काम करेंगी और कंटेस्टेंट्स की वाट भी लगाएंगी। वहीं हाउस का टूर तो हम आपको करवा ही चुके हैं। इस बार किचन से लेकर लिविंग रूम, गार्डन एरिया से लेकर बेडरूम काफी शानदार है। बता दें बिग बॉस 13-29 सितंबर को ऑन एयर होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, शो में लड़कियों को ज्यादा रखना और लड़कों को कम, ये बिग बॉस का आइडिया अच्छा है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बुलाना था हमें टीवी पर वापस, तो इसलिए था कि एक कलरफुल हाउस बनाते हैं जो फैंटास्टिकली जंप करे हर वॉल से बाहर, लेकिन करते करते हमें ये पता चला कि यू नो जब हम डिज़ाइन कर रहे थे तो हम पेंटिंग्स बना रहे थे, यू नो बिग ह्यूज पेंटिंग्स, बट पेंटिंग नॉर्मल पेंटिंग्स बोरिंग होते हैं, तो क्या कर सकते हैं, लेट्स टेक द पेंटिंग्स आउट फ्रॉम द पेंटिंग। तो हर चीज़ जट आउट हो रही थी, तो करते करते हमें पता चला कि इतनी इंस्टॉलेशंस है तो इट लुक्स लाइक अ म्यूजियम, सो व्हाई नॉट मेक इट अ म्यूजियम। तो ये आ गया था वेलकम टू बीबी म्यूजियम, दैट्स द थीम ऑफ द प्लेस। फिल्म सिटी अब शिफ्ट हो गया तो इजी है या फिर कुछ चेंजेस हैं या फिर अच्छे हैं या बुरे हैं? सो अच्छा बुरा तो मतलब हर जगह का होगा, बट यस हम लोग ये करना चाहते थे कुछ सालों से, बिकॉज द टीम कम्स क्लोजर बैक टू देयर फैमिली ऑल्सो एज वेल, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम बॉम्बे। दिस ईयर जो फैक्टर्स सारे थे उसमें वो आ गए, सो वी कुड डू इट। इट वॉज अ टफ एक्सरसाइज, द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन टीम हैव स्ट्रगल्ड 6 months, दे पुट टुगेदर द मराठी हाउस, पैरेलली पुट टुगेदर दिस हाउस। The rains haven't helped, so a lot of stuff and effort went into ये पूरा infrastructure खड़ा करने के लिए, so full kudos to the team there. Umang, how many days did it take to build this set? Generally it takes 60 days, so 45 to 60 days is what we are planning. Yes, but like, as he said, the rains were huge this time to get it done, you know, still we couldn't complete the garden because itna time laga tha, barish bahar aa rahi, so yes, but finally, you know, Lonawala ho, Mumbai ho, doesn't make you know any difference, because once you're in it, you don't know what outside world is. So that's what it is. Lonawala se Mumbai aa gaye. The usage of mirrors is like, Umang, the usage of mirrors is like very much common right from the very first season. So is there a conscious decision of using the mirrors, or it's just there for, I mean, to kind of... So this is part of the technical aspect, because you have cameras behind them also. Okay. So the mirrors are one-way mirrors. They're not mirrors, they're one-way mirrors only, and therefore there's a camera gully that goes all around the house. Achha. There's also for close-up and all that, so it's more a technical reason. Okay. And Umang, the bathroom has shifted to this side, the other side this time, tell us more about that. It's basically reshifting, you know, and changing the orientation of the house that makes it more fun. Not that the previous season people come over here and stay, so everything is new for them as it is when they come. It's just that when we start you know designing and conceptualizing ke kaun sa camera angle zyada milega hame, to us hisab se when we finally sit with the creative team, this is the maximum area that we get, we should get from the kitchen
एग्जैक्ट यू नो व्यू टू द बेडरूम, बिकॉज वहाँ से somebody's gonna point out, अच्छा वो आज खाना बना रही है. तो दैट मजा करने के लिए वी वेर नॉट गेटिंग इट, तो दैट्स व्हाई फर्स्ट द बाथरूम वॉज हियर, सो वी शिफ्टेड इट देयर टू गेट द एक्सेस ओवर देयर फॉर द बेडरूम. व्हिच इज योर फेवरेट पार्ट ऑफ द हाउस? ओ एवरी वॉल, आई मीन आई कांट से व्हिच इज मोर क्रेजियर देन वन हाईलाइट इफ यू हैड टू पिक अप. The highlight basically is that wall. Who are you? I mean, it's the biggest painting wall, painted wall that we have done. It's which animal are you? You know, and that what everyone asks. मैं तो एक शेर हूँ. You know, it's like you know, गीदर है, ये सांप है पीछे से. So that's the backbiting bit comes from there. And when you are finished with the house, you finish with talking to each other. That's when the walls talk to you, and that's when we come in. It's like पहले तो हाँ beautiful. सेंस नहीं बनता बाद में धीरे धीरे व्हाट वी पुट इन दैट स्टार्ट्स मेकिंग सेंस. देयर आर वर्ड्स ओवर हियर, जनरली वी डोंट डू वर्ड्स. ओके आई बीन टोल्ड नेवर टू डू वर्ड्स. अगर वर्ड्स होंगे तो हिंदी में होंगे दिस दैट. तो आई सेड व्हाई नॉट लेट्स ट्राई दिस टाइम. सो दैट्स व्हाट यू विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस व्हेन यू आर रीडिंग दिस. दिस इज मी. ऊपर लगा हुआ है चेस बोर्ड. ओके चेस बोर्ड इज लाइक यू नो अभी मेरी चाल कौन सी है. मैं राजा हूँ, रानी हूँ या स्मॉल सोल्जर जो मात दे देगा. Karma wall is my thing, like you know, dear Karma, these are the people who you missed, please do something about it. That's all. And Abhishek in all celebrity season section to design. Yeah. Nothing to as difficult like I was telling him also. The most fun I have throughout the year designing is Big Boss House, because it's full freedom. You can do whatever you want. And plus, yes, later on somebody will say, ye wall nahi acha lag raha, okay, isme kya kare. So I said, yaar, baad mein acha lagega, don't worry, let Vanita come in and she puts in her stuff. Then suddenly the empty wall becomes beautiful. But yes, we were trying a lot, like what should the kitchen be, okay. It's not difficult, yet we knew that we would have lots of plates on it. But because the whole house is colorful, do we make that colorful or we give them a break? So that's how the whole wall became white. Why? Because the colors will come out from the contestants itself. And that's why. And that, if you can see those two chandeliers which are there, which is exploding. That's the place with the maximum of explosion that happened, is the kitchen. That's how we done. So this time we are going to see new launch, metro station. Metro. Is this something related to the old Big Boss? So that part will come out in that press conference. So jail and all ka, the thing is that we also want to mix up things. So every year if you give the same layout, it's like saying ki ye matlab koi builder ka map aata hai waise nahi. Ab usme changes karoge so that there's a surprise factor for the contestants coming in. That's more refreshing for the viewer to watch. So eventually ye pura us pe dependent hai. So that's why we want to change things up. We don't want to keep it very vanilla every time. And since it's all celebrity season, Umang, was that also in your mind when you were designing the house? I have no idea who no, are coming in. Because it's an no, all nothing like that. Nothing like that. At the design time, though, I don't think even the cast was. Yeah, even the cast. Like most people were met also. So. How excited are you about having an all celeb season once again back to the? It's as excited as each season. So primarily the matter is, I think we also need to, same reason that we do with the layout of the house is what we need to do with the contestants. We had a mix of commoners and celebs. All celebs, maybe all commoners soon in some of the coming seasons. But yeah, as excited as ever. It's also a big landmark. It's the 10th season for Salman as an host. So we're looking forward to this one big time. We're excited about it. Basically, the area is bigger than Lonavala over here. It's 18,500 area. So obviously we require more cameras. So there are some 93 cameras everywhere. What you can see and what you can't see, they're all hidden. And plus few more will be added along the way. Bedroom ke liye koi special theme is bar kuch aapne socha hua hai? No, nothing. If you see the bedroom, you will see there are three beds together, and this is the first time. Utna bedsheet milta bhi nahi itna bada. No problem hota. But there are single, there's double and three. So that question mark will always be there. Ye kaun lega? So it's nothing much more than that. Living area, I can see it's very interesting. Right behind you guys, the sitting area is like a sunny side up. Yes, that's the place. It's like, you know, get up in the morning or you will see the odd one out who's not going to sleep there, will go and sleep on the egg over there. And that so that half fry is there, which is going to take much of the, you know, area. But fir baad mein yehi hota hai ki
लोग वहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो उसको शिफ्ट करो, वो बाद में आएगा धीरे धीरे. एंड दिस स्टेयर इज आल्सो वेरी, दिस स्टेयर इज व्हाट वी वांटेड टू यू नो जस्ट ऐड डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स. जनरली हम स्टेप्स देते नहीं अदर वो भाग जाएंगे, तो इधर देख के हमने डमी बना दिया कि भाई आगे कहीं नहीं जाता है, बट स्टिल देयर आर क्वेश्चंस सो दे कैन गो एंड प्लॉन्ग देयर. देयर इज सम प्राइवेसी डाउन देयर आल्सो, सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट नुक्स एंड कॉर्नर्स दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर टू गेट मोर यू नो मजा इन द सेट. भागने के नाम से याद है कि लोग भागने की कोशिश भी करते हैं, तो उसके लिए कुछ है कि काफी ऊपर चढ़ जाते हैं. नहीं नहीं जाएंगे किधर जाएंगे मुंबई में, ये कहाँ भाग नहीं सकते हैं. वैसे भी भागने वाले भाग किधर भी सकते हैं, वो हम वैसे सोचते नहीं हैं, बट हाँ वॉल्स आर हाई सो दे कांट डू दैट. एंड एनीथिंग अबाउट द कंटेस्टेशन शो एज अ कंटेस्टेंट मी या वी कुड कंसीडर. हाँ आई वुड हमेशा सोचता हूँ इफ आई एम हियर व्हाट वुड आई डू ओवर हियर, बट द थिंग इज इफ आई हैव बिल्ड एवरीथिंग सो आई नो इनसाइड आउट ये खुलने वाला ये होने वाला इधर ये होना, तो देयर मजा नहीं आएगा. बट हाँ आई लव I watch every episode. Me and my wife see every episode possible. So I'm hardened